सुबह सुबह का टाइम है, सर्दी बड़ी है, असं एक बैठे हैं अड्डे दे विच, ते ए अड्डा मीरपुर खास दे विच, मीरपुर खास विच निकली ना तो हैदराबाद रोड दे अड्डा ये जैसी आ गई तो माल शाल लोड करिंदा, क्यों जो ये जेड़े प्रोपराइटर है ना ये साढ़े इलाके दे अंदर मुड़ सानू ही चाहिए इन्होंने को हालात है ना ट्रांसपोर्ट के ना, दिसंबर का महीना हो या जनवरी का महीना हो छोटिया गड्डिया वास्ते ना मेरे ख्याल मंदे दौंदा एवं नुसा जी ये थोड़ा जहा मंदा चलता पाया। बहरहाल हर हाल चला पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, रोजी रोटी तो दिती जाता। पिछले चक्कर मैं गया लोड करके शहदादपुर के मेरा फैसलाबाद का लगा 74,000 रुपया किराया, तो अज असी तू मीरपुर लोड करते पे क्यों जो मीरपुर तो उस साइड की ना 2,000 मार्केट का भी फर्क हों, 2,000 इतने वाद होंगी उत्थे घट होंगी, तो अज असी लोड करेंदे पे जंग की एबिलिटी बनी बैठा राजा ये मुंशी है इस अड्डे का, तो ये को पुछते हैं भी अज साडा जंग का की किराया लेंदा पे फर्क तो सिर्फ 8 दिन का पे, 8 दिन की कुछ हो गया। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम जी, की हाल है राजा साहब? ठीक हो जी? तुहाडा नाम ही राजा है या नाम राजा है? नाम ही राजा है जी। हां अच्छा, काम ही राजा ले करया ना ए बिल्टी तुसी बणी दे पे हो जी, ए जंग दी बिल्टी जी। लोड असा किथू करनी गड्डी? अरनो मिल तो सांगड़ रोड ते, सांगड़ रोड ते जी हां। अच्छा ते ए दसो आज तुसी की मार्केट लाई, की किराया लेंदे पे हो साडा जी? आज मार्केट है जी ਚੰਗਦਾਰਨੋਂ ਮੇਲ ਤੋਂ 64,000। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ 74,000 ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ 64,000 ਰੁਪਈਆ। ਜੰਗ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ 2,000 ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 64,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਮਾਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੇਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।